अरे वाह, तू चक मैनू लगदा रहिंदा सी डर तेरे पिछे लगी लई मैदा वेखी अज ना ना कर अज दिन वाले ने खुशियां दे सकदा बस मैं ता तैनू देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा और हमारी वाइफ का वैलेंटाइन डे सरप्राइज। वैसे दोस्तों, हमारी वाइफ ने हमें वैलेंटाइन डे सरप्राइज देने के लिए प्लान किया था। सो, उन्होंने हमारे छोटे ब्रदर और सिस्टर को कहा कि मैं आपके भैया को 2-3 घंटे के लिए बाहर घुमाने लेकर जाऊंगी और जब तक हम रिटर्न आए तब तक आप हमारा रूम डेकोरेट कर देना। पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उन्होंने सोचा था कि वो केक मंगा के नॉर्मल से डेकोरेशन करवा देंगे बस। लेकिन मेरे ब्रदर और सिस्टर ने इतना अच्छा रूम डेकोरेट किया कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही एकदम शॉक्ड हो गए। हमारे लिए सच में बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया ये। तो दोस्तों, आपने तो हमारे और हमारी वाइफ के चेहरे पे वो खुशी देखी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों देखो, मज़ा तब आता है जब हमें खुद को ना पता हो कि क्या सरप्राइज़ होने वाला है। तो हमारी वाइफ ने तो प्लान किया था, बट उनका ये प्लान नहीं था कि वो मेरे ब्रदर और सिस्टर इतना अच्छा सरप्राइज़ प्लान कर देंगे कि वो खुद शॉक्ड हो जाएंगी। मैं तो शॉक्ड हुआ ही हुआ, साथ वो खुद इतना शॉक्ड हो गए कि यार इतना अमेजिंग। उन्होंने देखो कितनी सारी फ़ोटोज़ हमारी लगा रखी हैं पूरे वॉल पे, और इतने मतलब हार्ट शेप वाले बलून, और रूम के अंदर एंटर होते ही इतनी रोमांटिक फीलिंग आ रही थी कि सीरियसली बहुत मज़ा आ गया। ये देखिए हमारे कितनी सारी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं, ये सब हमारी बिफोर मैरिज की फ़ोटोज़ हैं, और ये रहा हमारा प्यारा सा हार्ट शेप वाला केक। पर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि देखिए, डे तो चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा एक लाइफ पार्टनर होता है ना, तो आपका हर एक डे, हर एक पल, हर एक मोमेंट बहुत ही खास और बहुत ही प्रीशियस होता है। और आप अपने पार्टनर के लिए हर एक पल, हर एक मोमेंट को इतना स्पेशल और प्रीशियस बनाना चाहते हैं कि उस पल और मोमेंट को ना कभी आप भूल पाए और ना कभी अपने पार्टनर को भूलने दें। तो कुछ ऐसा ही मैं और मेरी वाइफ हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा प्लान करते रहते हैं जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है एक दूसरे के लिए। तो आप हमारे और हमारी वाइफ के चेहरे पे वो खुशी देख सकते हैं। लेके आया तेरे लिए मैं रोजनी प्रपोज दे दिखता प्रपोज में ओदा बिना दिखता रिस्पांस नहीं चॉकलेट दे चॉकलेट।